Hi friends, I'm Bhavna Sharma and you're watching MR Info Line. I have with me in the studio today Mr. Siddharth Singh, who is Regional PF Commissioner, Gurugram. I extend a hearty welcome to Thank you, sir. Ma'am. Thank you. आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में. सर, ये योजना क्या है? जैसा हम सब जानते हैं कि अभी तक हमारी जो पेंशन स्कीम्स होती थी वो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होती थी या वो जो कंपनी में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उन श्रमिकों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए हुआ करती थी. अब जो ये स्कीम आई है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें जितने भी असंगठित मजदूर हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उन लोगों के लिए पेंशन स्कीम भारत सरकार ने निकाली है ये. और इसमें सभी एम्प्लॉयज़ या जो कर्मचारी या मजदूर जो 18 और 40 उम्र के बीच के हैं वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ये उन्हीं श्रमिकों के लिए है जिनकी आय 15,000 से कम है और जो संगठित क्षेत्र में जो बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे पीएफ, ईएसआईसी या एनपीएस में वो रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हीं सब मजदूरों के लिए ये बहुत ही एक अच्छी पेंशन स्कीम निकाली है. बहुत ही फायदेमंद स्कीम है जिसमें 60 साल की उम्र पे उन सभी मजदूरों को 3,000 न्यूनतम पेंशन सरकार देगी. सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कहा असंगठित श्रमिक, असंगठित में कौन कौन से जाते हैं? हमारे ज्यादातर जो कामगार हैं, श्रमिक हैं, वो असंगठित क्षेत्र में ही होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जैसे जो घरेलू काम करने वाले श्रमिक, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, बार्बर्स हैं, टेलर्स हैं, कारपेंटर्स हैं या मोची हैं, और जैसे हमारे सरकार की जो स्कीम्स होती हैं, विभिन्न स्कीम्स होती हैं, जैसे हमारा मनरेगा की स्कीम, उसके अंतर्गत जो लेबरर्स काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, या आंगनवाड़ी में जो काम करती हैं बहन, आशा वर्कर्स जो होती हैं, उन सबको इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो सकता है और इसका लाभ उठा सकती हैं. सर, हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, इस स्कीम में को बहुत ही सरल बना दिया है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल बनाया हुआ है. देखिए, जैसे हम सब जानते हैं हमारे यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर्स पूरे देश में बहुत सारे खुले हुए हैं. हर पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर खुला होगा. हरियाणा में ही करीब हज़ारों कॉमन सर्विस सेंटर्स खुले हुए हैं. तो ऐसे कॉमन सर्विस सेंटर में ऐसे किसी श्रमिक को जाना है और केवल उसको आधार कार्ड और अपने बैंक की पासबुक लेके जानी है और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कोई ज़रूरत नहीं है उसको. तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और उसको रजिस्ट्रेशन के बाद एक श्रम योगी कार्ड मिलेगा जो उसको एक दस्तावेज के रूप में अपने पास रखना है. बस यही है, जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा तो पहली जो किश्त है वो उसको कैश में जमा करनी पड़ेगी और जो आगे की जो मासिक जो किश्त है वो उसके बैंक से ऑटो डेबिट हो जाएगी. सर, ये वैसे तो बहुत ही अच्छी स्कीम है और जैसे कि पेंशन स्कीम के बारे में हम सभी जानते हैं कि पेंशन स्कीम में एक एम्प्लॉई और एक एम्प्लॉयर शेयर होता है, तो ये एम्प्लॉयर शेयर कौन देने वाला है? एम्प्लॉई तो हम सभी जानते हैं कि श्रमिक खुद ही देगा. ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताने में कि भारत सरकार 50% जो शेयर है एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ या अपना, इसका जो 50% जो शेयर है वो भारत सरकार देगी. श्रमिक को केवल 50% ही कंट्रीब्यूट करना है, बाकी 50% शेयर भारत सरकार व्यय करेगी. और अगर हम बात करें पेंशन की, तो 60 साल की उम्र के बाद कितनी पेंशन प्राप्त होगी? 60 साल के बाद न्यूनतम जो पेंशन अभी निर्धारित करी गई है वो 3,000 रुपये प्रति माह. हो सकता है कि आगे चल के ये जो न्यूनतम पेंशन है इसको और बढ़ाया भी जाएगा. सर, आपने एक बहुत ही अच्छी पेंशन स्कीम के बारे में हमारे सभी व्यूअर्स को बताया. जाते जाते सभी व्यूअर्स से क्या खास अपील आप करना चाहेंगे? मैं सभी व्यूअर्स से अपील करता हूं कि वो अपने जो रिश्तेदार हैं या अपने मित्रगण हैं या जो भी उनके परिचित हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, उन लोगों को इस स्कीम के बारे में बताएं और उनको इस स्कीम के साथ जोड़ें, क्योंकि इसी स्कीम के अंतर्गत उनके भविष्य सुरक्षित रहेगा और उनको और उनके परिवार को पेंशन मिलेगी. धन्यवाद.
इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ सर, आप एमआर इन्फोलाइन के स्टूडियो में आए और हमारे सभी व्यूअर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। थैंक यू मैम। ऐसी खास वीडियोस और ऐसी खास जानकारी के लिए कीप वॉचिंग एमआर इन्फोलाइन।